बोले जो घर जो परिवार रे जो अंचल रे जो भूखंड रे नारी पूजा पाए से घरे सब सत्कर्म कले सफल हुए सब देवादेवी माने से घर उपरे संतुष्ट से घरे देवादेवी माने विचरण करती धन जन गोप लक्ष्मी से घरे परिपूर्ण नारी जोठी पूजा पाए कले नारी जोठी अपमानिता नारी जोठी अपूज्या सेठी जेते सत्कर्म कले भी सब निष्फल ही जा एटा शास्त्र कहिले तेबे मो मुए ए उदाहरण दबार माने कोन की नारी को जिते भारतीय संस्कृति रे प्राधान्य दिया जाए ठाकुर हुए तो विश्व मातृत्व दिव्यात्मा परिषद करी थांते कि बापा को भी कहा जाए पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पर्ण प्रियंते सर्व देवता बापा जा उपरे संतुष्ट ना से छुआ उपरे गणेश संतुष्ट माने बुद्धि ढाली देवे सरस्वती संतुष्ट विद्या ढाली देवे दुर्गा संतुष्ट शक्ति प्रदान करिवे बुझी पारछन्ति जोठी किए संतुष्ट बापा पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप तबे ठाकुरे तो विश्व पितृत्व दिव्यात्मा परिषद तयारी करि परिथांते बंधु को केते कह जाइछि जे दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लवे जहतिष्ठति सबान्धव शास्त्र कहि बंधु को जगह रे केते काम रे आसे बंधु बंधु को माने हतोत्साह हो पड़ी उत्साह दिए साहय सहयोग करे तबे विश्व बंधुत्व दिव्यात्मा परिषद भी तैयारी विचलित था किंतु ठाकुर कौन कले विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद या भितर गोटे बड़ दर्शन तत्व लुचि रही उपेन्द्र भाई महोदय परिचालक आज मत पचारिथिले सनातन मानविक धर्मर मूल नीति कौन छ नंबर चरमर कल्याण देली तेरे ठाकुर स्पष्ट करदे कौन कहले कले विश्व भ्रातृत्व प्रेम प्रकृत रे सनातन मानविक धर्मर मूल नीति हरि हरि बोला सेथिरु केबे ओहरि जीवु नाही रे धन ए नीति छाड़िले सनातन धर्म नीति रे रहिबु किपरी पचास खंड परम शास्त्र चरम शास्त्र रु छ नंबर चरम कल्याण देली तो तेरे प्रभु कहिले कले विश्व भ्रातृत्व प्रेम प्रकृत रे सनातन मानविक धर्मर मूल नीति सनातन मानविक धर्मर मूल नीति कौन है विश्व भ्रातृत्व ता भितरे कौन लुचि रही दर्शन कौन लुचि रही आज्ञा मत गोटे माँ टे जन्म दे हाँ कि नहीं मोर जन जननी अच्छा मोर जन बापा अच्छा मुझे बापा बोली डाकुच माने जो शब्द से मुहार कर संबोधन करपा माँ से मत डाक पुअरे बुझी पार माँ पुअर संपर्क बाप पुअर संपर्क बुझी पार किंतु गोटे चिंता करतु प्रत्येक आत्मा भगवान आसी अंश होकर से अंशी आम अंश भगवान कृष्ण गीतारे कहिले ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन आम सनातन पुरुष जने जने अंश से परमात्मा आम जीवात्मा से परम ब्रह्म आम जीव ब्रह्म तेरे मो माँ भितर गोटे आत्मा अच्छी मो भितर गोटे आत्मा अच्छी हाँ कि नहीं अंग अवय मो माटी हूँ झील नारी मुझे पुरुष मु पु ए जन्म आम हूँ माँ पु भगवान कृष्ण कहले अर्जुन कौन पाई युद्ध करिबुनी कहले मामू सहित कका सहित ससुर सहित ये आत्मीय स्वजन सहित युद्ध करके लाभ पाइब भगवान कृष्ण कहले ये पूर्व जन्म तोर निजर बोली नथिले आसंता जुगरे जन्म तोर ये निजर हो रे ना ए जन्म तो सहित कहीं जोड़ी दिखाई जानचु भागवत भी कहते कर्म बंधन आत जात के पिता के कहार पुत्र के सब के सब के सब भक्त जनम बोलानंद कंद भगवान जय कले कर्म बंधन आत जात के पिता के कहार पुत्र एटि केही कहार नुहंती रे धन जीव धरा पृष्ठ को आसी निजर कर्म फल भोग करिया पाई जदि सत्कर्म करिछि भल फल भोग करी पुण्य अर्जन करिव शांति संतोष गौरव सौरभ पाइब आ जदि मंद कर्म करिछि
सी दुख भोग जंत्रणा पाइब जातन जर्जरित हम ए जीव धरा पृष्ठ को केवल आसी कर्मफल को भोग करने तेरे कर्मफल को भोग करने को से तो एकुटिया व्यक्तिगत जीवन जापन करोड़ी दि जाए पारिवारिक संपर्क किए स्त्री किए पुओ किए माँ किए बापा किए कका किए खुड़ी कले कह कहार नुहति किंतु कर्मफल जो जोड़ी कर्मफल भोग करने को जीव जो आसी सहित ये संपर्क को जोड़ी दि जाए कर्म बंधने आत जात के पिता के कहार पुत्र एडी कह कहार नुहति किंतु पुणी समस्ते समस्त हरि हरि बोला तेणु मो माँ भितर गोटे आत्मा अच्छी मो भितर गोटे आत्मा अच्छी तेरे मो मार आत्मा कार अंश चरमनाथ गुरुस्वामी केशव सुंदर मु कार अंश से चरमनाथ गुरुस्वामी केशव सुंदर अंश तेरे सीए है केशव झीओ किए मो माँ से केशव झीओ है मुली केशव पुओ तेरे आम जो जीवात्मा जीवात्मा भितर मूल संपर्क कौन है जन्म सीना माँ पुओ किंतु परमात्मा को ठारु सी आसी परमात्मा को ठारु मु आसी आमर मूल संपर्क भाई भौणी नुहे कि हरि हरि बोला तेणु ठाकुर मोर डिफाइन कर कले विश्व भातृत्व प्रेम प्रकृत रे सनातन मानविक धर्मर मूल नीति बुझिपार मूलटा कौटा जीव आ जीव भितर मूल संपर्क कौन भाई 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 भौणी संपर्क से केशव चरम परिवार भितर को जीए पशी आसब सीए रे बापा बाप पु पी भाई भाई डका डकी टिकेपुर नंद भाई बसी कड़े उठीगले आमर बालेश्वर गण बाबा को जानी थी विराट जट संसारी मनीषटी कि सन्यास धर्म गृहस्थार भी सी थे गण बाबा जिते बड़े दिने महांगा आश्रम पहुंचले शरत भाई ठाकुर पाखे सेवाकारी था नंद भाई पु शरत भाई की पचारे शरत भाई नंद भाई की देखीच से कहले मो बापा जा मेडिकल छक आड़े कहले नंद भाई की खोजुच कि नंद भाई बा मेडिकल छक आड़े गले बुझीपारा से दिन गण बाबा गोटे भजन लिखिदेले भ्रातृत्व प्रेम रे बांधी होई पुओ बाप को भाई डाकिला भ्रातृत्व प्रेम रे बांधी होई पुओ बाप को भाई डाकिला केशव सुंदर जानी सुंदर केशव सुंदर जानी सुंदर कौन जे शरण नेला कह कि मंत्र जानी रे पछब घर रिला कह कि मंत्र जानी रे पछब घर नंद कंद चरमनाथ की गण बाबा से दिन भजन लिखी आश्रम बसिकी कहले आश्व भ्रातृत्व प्रेम भ्रातृत्व प्रेम बांधी हो पुओ बाप को भाई डाकिला बाप को भी एटी भाई बोली डाका जाऊ स्त्री की भी एटी भौणी बोली संबोधन करा जाऊ सतसंगे आनंद बजार चली थो स्त्री आनंद बजार बसी थो स्वामी डालमा बाड़ू थो से कौन डाक ओ भाई मत टे डालमा देकरी जा सीए पचारे के अपा तमे पर्यटन बस नी अच्छा भाई भौणी भितर ए स्वामी स्त्री भितर भाई भौणी संबोधन अभिवादन बुझिपारे कथा तेणु ठाकुर मोर कहले जीव आ जीव भितर मूल संपर्क कौन भाई एटा सनातन धर्मर मूल नीति तेणु सजन बृंद मन ध्यान दे शुणे बार नंबर चरम कल्याण देली तेरे मो ठाकुर से पुणी पदीए कहीदे कले तुम समस्त को भ्रातृत्व बंधन रे बांधी तुम प्रत्येक भितर सूक्ष्म सत्ता भाव भाईर भूमिका नहीं समस्या समाधान पाई विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद गठन कर प्रत्येक प्रत्येक को भाई और भौणी संबोधन करने को निर्देश हरि हरि बोला से भाई आउ भौणी समस्ते समस्त को संबोधन करने प्रभु निर्देश देले निर्देश को आम पालन करवा कि निर्देश तो तू सतसंग तो स्त्री की अपा बोली डाक निर्देश तेणु जीव आउ जीव भितर मूल संपर्क कौन है भ्रातृत्व से ठाकुर अन्य कौन सी नामकरण नक कले विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा तेरे साधु मंडली भाई भौणी माने मन ध्यान दे कथा को श्रवण करेंगे जुगानुवाद अवतार जिते बेले आसी
ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଇକିରି, କଣ ବଟ ଭାଇ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ନରସିଂହ ଶେଷଦେବ, ଦୁଇ ଭାଇ, ଭାଇ ବିନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ପରା ଠାକୁର ଗୋଟେ ଲୋକବାଣୀ କହିଦେଲେ ସେଥିରେ, କହିଲେ କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇ ବସିବ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ, ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢିବ ଯଦି ସଙ୍ଗେ ଥିବ ଭାଇ। ଆଉ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ହେଇଛି ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆମର ଯଦି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇଟେ ଦରକାର ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ, ଧର୍ମ ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଲଢେଇ ହବ, ନୀତି ଅନୀତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଭାଇଟେ ଦରକାର ନା। ଆଉ ଆ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆଚରଣଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ପରା ଭାଇ ବିନା କିଛି ହବ ହେଇପାରିବନି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଶେଷଦେବ ନରସିଂହ ଅବତାର, ପୁଣି ଭାତୃତ୍ୱଟା କେମିତି ରହେ ଚିନ୍ତା କର, ଜଣେ ନରମ ଜଣେ ଗରମ। ଆଉ ଭାବୁଛ କଣ, ଲୋକ କହନ୍ତି ତୋ ଭଳିଆ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ମିଶିବୁ ରେ, ସ୍କୁଲରେ ଖରାପ ପିଲା ସହିତ ମିଶିବୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଲେ ତୁମେ ଖରାପ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେବେ ଟିଉସନ ସାର ସବୁ ପାଠ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲା ଅପାଠୁଆ ଟିଉସନ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିଉସନ ହବାକୁ ଯାଏ। ଯଦି ଟିଉସନ ସାର କହିବେ ଏ ପିଲାର ପାଠ ହଉନି ୟାକୁ କଣ ପଢେଇବି, ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ପଢେଇବେ? ଯାହାର ପାଠ ହଉଛି, ଯାର ପାଠ ହଉଛି ତାକୁ ସିଏ ପଢେଇବେ। ହେଲେ ପିଲାକୁ ପାସ୍ କରେଇବାଟା ହଉଛି ସାଧନା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ପିଲାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କରିବାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ କି ସାଧନା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଚରିତ୍ରର, ଜଣେ ଗରମ ଜଣେ ନରମ, ନରମ ପନ୍ଥୀ ଜଣେ ଜଣେ ଉଦାର ପନ୍ଥୀ ଶେଷଦେବ। ମୁଁ ଆଜି ଭାତୃତ୍ୱର କଥା କହିବା ପାଇଁ ବସିଛି ପରା ଏଠି, ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱ କେତେ ଅଛି, ନରମ ଆଉ ଗରମ ମିଶିକିରି ରହୁଛନ୍ତି କି? ଶେଷଦେବ ଆଉ ନୃସିଂହ ନରସିଂହ ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅବତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିଲେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମକୁ ଯିଏ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି କି ମୋ ନାଁରେ ଖରାପ କଥା ପଦେ କହିଦେଲା, ସିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ କି ନୁହେଁ? ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କଥା ଛାକୁରେ ଯୋଉ 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ଚରମରେ କହିଛନ୍ତି, ଭଲକିରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। କହିବି ସେଟା କେମିତି ତା ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ ବସୁଧା ଯଦି ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ କିଏ କାହାର ଶତ୍ରୁ? ଯିଏ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ କରେ ସେ ଜଗତର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାଇ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ମାନବିକତାର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଛି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇଟିଏ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ହରି ହରି ବୋଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା କହିଲି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭାତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଚାରି ଭାଇ ପରା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଚାରି ଭାଇ ହେଇକି ସେ ଆସିଲେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଟା କେମିତି ଦେଖ, ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସିଲା ପରେ ବାହାଘର, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଭିନ୍ନେ ଘର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଭିନ୍ନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ, କାହିଁକି ଭିନ୍ନେ ହେଉଛନ୍ତି? ନା ମୋ ରୋଜଗାରଟା ମୁଁ ଖାଇବି ନା, ଆଉ ମୋ ରୋଜଗାରଟା ମୁଁ ସାନ ଭାଇ କାହିଁ ଦେବି? କାହିଁ ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ପାତର ଅନ୍ତର କରିଥିଲେ? ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳିରେ ଭାତ ଦଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳିରେ ତରକାରୀ ଦଉଥିଲେ, କି ସେ ବିରକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି? 4ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି କେବେ ଦିନେ କହିଛନ୍ତି ନା? ତ ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖେଇଦେଲେ ତ୍ରେତୟା ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ ଲାଳାୟିତ କଳିଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁଠି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ, ସବୁଠି ମୁଁ ନାଁ ଧରୁନି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ପର୍ସିଆନ ଇହୁଦୀ, ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ଧରୁନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ, ଏମାନେ ବେଶୀ କଡାକଡି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆଣିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ବି ଯେତେ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାଅ, ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୋ ଠାକୁର କେଶବ କୌଲ କଣିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ,
कहले तमें जदि मते प्रकृत रे भल पाउछ तुम भितर संदेह काई कि रहउ अविश्वास काई कि रहउ तुम्हें जदि मते भल पाउछ बोली कहउछ तेणु एटी धरा पृष्ठ रे जदि समस्त संप्रदाय भितर दी दी भाग तीन तीन भाग हेचंती तबे आपण निजे कहंतु सेडि गुरुंकर निर्देश को किए गुरुत्व देइछंती कि हरि हरि बोला गुरुंक कथार गुरुत्व रहिछि कि कहंतु सबुटी भाग भाग हि जाइछंती किंतु प्रभु रामचंद्र देखै देले शिक्षा पांच मिनिट क्षणिक भितर ओलट पालट हो जाए परिवेश परिस्थिति जो राम रजा हे अयोध्या नगर सारा झोटी चिता पड़ी कदली गच पोता जाब तोरण दि जा राम रजा हे सुनामुकुट तैयारी हीरार कुंडल वशिष्ठ विश्वामित्र कूल पुरोहित मान प्रस्तुति पर्व लगि पड़ते आसंता का अभिषेक हे प्रभु रामचंद्र राजा रामचंद्र हे किंतु कौन है क्षणिक भितर परिस्थिति उल्ट पाल्ट हो गला जी राजा हवा कथा से बनवास गले ऑब्जेक्शन कर राम राम भगवान ऑब्जेक्शन कर बड़ पु सिंहासन में मोर अधिकार मत के तुम्हें बनवास पठे दौ मो प्रति तुम्हें अन्याय करुछ ऑब्जेक्शन कर विरोधभास भगवान रामचंद्र ठार देखा मिली मिलना पदवी चाह ना सीए पदवी की उपेक्षा करितृ सत्य पालन करपा कहते वनवास जीवी बापा मोर परम धर्म ठाकुर केशव चंद्र आम पाई परम धर्म तेज से कौन कहले पदवी पाई लालायित तो हबू ना तेज पितृ सत्य पालन करी आम पदवी पाई लालायित तो हवा उचित नुहे बट भाई पितृ सत्य परा भगवान देखई दे आम कौन पाई मु रामायण कथा कौच कि रामचरित कथा ठाकुर कहले कहले मो कथा तते सिना चिड़ी माड़ी पूर्व पुरुष कथा ख्याल कर से मैंने भी यही कथा देखकर कथा टिके ख्याल कर तेरे सजन वृंद प्रभु रामचंद्र बनवास जाऊ लक्षण चाहते रजा हो पारि था भरत शत्रुघ्न मामू घरे अच्छा लक्ष्मण चाहते रजा ही था रजा हेले कि टिकीए लालसा रखी ना मो भाई भारतीय संस्कृति रे बड़ भाई हूँ बाप समान भाई जत जंगल को मोर कर्तव्य टी कौन भाई जत जंगल को जा प्रति मोर कर्तव्य कौन भाई बार नंबर चरम ठाकुर कहीदेले कहले भाई भाई को साहस दिए विपद रे सहाय हुए भाई कौन सी भूल त्रुटि भाई रो देखिले भाई ताकु दर्शाई दे सुधारी निए हरे हरे बोला भाई भाई रो भूल को देखिले सुधारी निए ना सर्वसमक्ष रे समालोचना करी ताकु लंगळा मुकुला करे ठाकुर को निर्देश ता कौन हैला कहले भाई रो भाई जदि भूल त्रुटि देखे ताकु सुधारी निए कथा बुझी पारछन्दि तबे हे भाई भौणी माने।